सारा दिन चलाते हैं रिक्शा और शाम को 500-600 बनता है, 500-600 घर में ले जाके बिजली का बिल दें और या घर में अपने बच्चों को खिलाएं, बच्चों को स्कूल भेजें। जो अभी रेट बढ़ाया है इन्होंने, इससे और चीज़ें महंगी होंगी। पहले भी महंगाई है, लोगों के घर खाना पूरा नहीं हो रहा, राशन पूरा नहीं हो रहा, अब इससे और चीज़ें महंगी होंगी, कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। रोजी रोटी पूरी नहीं होती, ठीक है बच्चों की, और सवारी किराया भी नहीं देती, वही किराया देती 20 रुपये 10 रुपये, ठीक है महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। सुबह उठे तो पेट्रोल में सामान की कीमत और होती है और कुछ और होती है। पहले बिजली के बिल से बेतहाशा इजाफा कर दिया गया, टैक्स इतने हैं कि गरीब आवाम जो है अपने घर की चीज़ें बेचने के लिए मजबूर हो गई है। अब ये पेट्रोल बढ़ गया, जब जो भी चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन पे आ रही है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं, जब एक चीज़ ट्रांसपोर्टेशन पे आनी है तो उसमें इजाफा ही होना है ना। एक चीज़ घर में बढ़ी उसका इजाफा तो नहीं होगा, वो ये कहेंगे जी पेट्रोल की मसनूआत ज़्यादा है तो हम लोग भी परचेज करें, तो आप लोगों को भी है। खुदा रहा हुकूमत इस अवाम गरीब अवाम पे जितने भी टैक्स लगाए हैं वो कम करें, इनको रिलीफ दे। पेट्रोलियम का जो 26 रुपये रेट का जो इजाफा करके गरीब अवाम पर जो बम गिराया गया, खुदा रहा प्लीज़ इसको वापस लें, पेट्रोल की कीमतें कम की जाएं ताकि आम शहरी आम मुसाफर सफ़र बआसानी से कर सके। तो बहुत ज़्यादा परेशान है अवाम, बहुत परेशान है, हुकूमत बिल्कुल नहीं सोच रही अवाम का कि ये पेट्रोल की कीमत के साथ साथ दूसरी खाने पीने की मसनूआत में भी इजाफा हो रहा है और लोग खाने अपने बच्चों को जहर देने पे मजबूर हो गए हैं। खुदा रहा बच्चों को, ये अवाम का अपना सोचें, ये अपना सोच रहे हैं कि ये अवाम का कुछ नहीं सोच रहे। पेट्रोल प्राइसेस जो कि बहुत ही अनकंट्रोल्ड बिहेव कर रही हैं और आए दिन इनकी मसनूआत में इजाफा किया जा रहा है। डॉक्टर नर्सेज और पैरामेडिक्स को मिडिल क्लास समझा जाता है और हम इससे इतने ज़्यादा अफेक्ट हो गए हैं कि एक डॉक्टर या नर्स जो लाहौर से डेली ड्यूटी करने के लिए आते हैं 3000 रुपया उसकी पेट्रोल का उसका खर्चा है। हमारे सैलाब की वजह से हमारे घर गिर गया था, इधर मजदूरी करते हैं, अभी 27 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है, अभी 500 रुपये मजदूरी होती है और इधर 300 रुपये का अभी मैंने पेट्रोल डाला है, अभी 200 रुपये से हमारा क्या गुजारा चलेगा। अभी ये हुकूमत निगरान हुकूमत आती है खाली निगरानी के लिए, ये ऊपर हमारे ऊपर पेट्रोल बम बिजली बम गिरा रही है। ठीक है, बिल तो पहले ही बहुत ज़्यादा थे और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 26 रुपये इजाफा करके मजीद महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। आवाम का जीना दोबर कर दिया है, दो वक्त की रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो चुकी है, बच्चों की फीसें और घरेलू अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों को कम किया जाए।